हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू क्लासेस टुडे वी डिस्कस सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते समय किन किन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की और आफ्टर अ कम्पेरेटिव स्टडी ही बोरो द गुड क्वालिटी ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि कोई भी संविधान हो अपने आप में परफेक्ट नहीं था जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अच्छे प्रोविजन थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए और जो जो लुप होल्स थे जो जो उनमें कमियां थी उनको देखते हुए कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए जिससे कि जो लुप होल्स उस कॉन्स्टिट्यूशन में है अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो आगे चल के तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंडिया ने क्या क्या बारू किया है द फर्स्ट इज कन लिस्ट संवर्ती सूची जिस पर संघ और राज्य दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं जब आप सेवन शेड्यूल यानी कि सातवीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें आपको तीन लिस्ट मिलेंगी यूनियन uh, लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट यानी कि संघ सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची ठीक है तो संवर्ती सूची वो होती है इसमें दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं अब आप जो आपकी स्टेट लिस्ट होती है उसमें केवल स्टेट बना सकती है और जो यूनियन लिस्ट है उस पर सिर्फ यूनियन लॉ बना सकती है लेकिन कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं उस पर दोनों जो है संघवी और राज्यवी दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं नेक्स्ट आपका आता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आर्टिकल थ्री जीरो वन में फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड के बारे में बताया गया है नेक्स्ट आपकी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट की संयुक्त मीटिंग संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति वन में वो भी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बॉरों की गई है नेक्स्ट आपका आता है कैनेडा कैनेडा के कॉन्स्टिट्यूशन क्या फेडरेशन विद इथ स्ट्रॉग सेंटर जो हमारा केंद्र है केंद्र को क्या दिया है एक स्ट्रॉन्ग पावर दी गई मतलब उसका जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा है हमारे फेडरेशन में तो नेक्स्ट आपका आता है वास्टिंग ऑफ रेजुडरी पावर इन सेंटर रेजुडरी पावर अवशिष्ट विधायी शक्तियां होती हैं मीन्स अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है ना तो वो आपका सेंटर लिस्ट में ना ही स्टेट लिस्ट में मेंशन है और उसपे लॉ बनाना है तो ऐसा अगर कोई सब्जेक्ट है कि ना तो वो स्टेट लिस्ट में मेंशन है ना ही वो सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है तो वहां पर जो रेजिडरी uh, पावर है अवशिष्ट विधायी शक्ति यानी कि उस पर लॉ बनाने की जो पावर है वो किसको है सेंटर को है उस पर लॉ कौन बनाएगी सेंटर बनाएगी ये प्रोविजन आपका कैनेडा से लिया गया है नेक्स्ट आपका अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाई द सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाएगा ये भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बॉरू किया गया है, है सुप्रीम सुप्रीम सलाह देने का क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी पावर दी गई है वो भी आपके कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बॉरू की गई है नेक्स्ट है हमारा आगे देखते हैं कि जो आयरलैंड है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या गौरव किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था अगर आपको याद हो तो नेक्स्ट आपका नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा राज्यसभा में जो मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है वो भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो उसका प्रोसीजर है वो फॉलो किया गया है नेक्स्ट है आपका मैटर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो किस मैथड के थ्रू होता है वो मैथड भी आपका जो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है जिसे आर्टिकल फिफ्टी फाइव क्लॉस थ्री में बताया गया है नेक्स्ट है आपका जापान जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बारो किया गया है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ याद हो आपको तो आर्टिकल 21 में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा कि नो पर्सन सेल बी डिप्राइड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ नेक्स्ट है हमारा सोवियत यूनियन जिसे अब रशिया रूस कहते हैं वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बौरू किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर ए में दी गई है नेक्स्ट आइडियल ऑफ जस्टिस जो आपकी प्रेम है उसमें जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो वर्ड ऐड किए गए हैं वो सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से बौर किए गए हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बारो किया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट संसदीय सरकार नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ विधि का शासन इसे हम आर्टिकल 14 में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो हमारा लॉ मेकिंग प्रोसीजर है वो भी यूनाइटेड किंगडम से कॉन्स्टिट्यूशन से बॉरू किया गया है जनरल जो प्रोसीजर है वो क्या है कि कोई जब लॉ बनाती है गवर्नमेंट uh, तो वो किसी एक हाउस में बिल प्रोड्यूस किया जाता है उस हाउस के द्वारा उसमें बहस होती है जब वो हाउस उसको पास कर देता है उसके बाद वो सेकेंड हाउस में जाता है हाउस हाउस भी भी उस बहस करता है 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 जब वहां second house के के थ्रू पास पास हो जाता है, तो फिर बाद में ला लास्ट तो वो राष्ट्रपति और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपनी कंसेंट दे देते हैं वो क्या बन जाता है लॉ बन जाता है नेक्स्ट है आपका सिंगल सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप यानी कि विद पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग हम भारत के लोग यानी कि हम भारत के नागरिक हैं यानी कि हमारी सिटीजनशिप क्या है कि हम इंडियन हैं ऐसा नहीं है हम अगर दूसरे स्टेट अगर किसी अलग अलग स्टेट में रहे हुए तो अलग अलग स्टेट की भी हमें सिटीजनशिप प्राप्त है कि हाँ आप क्या उत्तर हो आप दक्षिण इस तरह से ऐसा नहीं है हमें सिंगल सिटीजनशिप मिली हुई है वो है इंडियन भारतीय ठीक है तो सिंगल जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये भी यूके कॉन्स्टिट्यूशन से किया गया है नेक्स्ट कैबिनेट सिस्टम कैबिनेट सिस्टम आपका यूके उस पे गया है, यानी कि या उपचार। जो पांच हैं, उसमें है, उस से आपकी और मैं अधिकार प्रक्षा प्रतिषेध बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश और सस्यूरि यानी कि उत्प्रेषण नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रिवलेजेस आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं तो ये जो प्रोविजन है ये भी आपका यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से बॉरू किया गया है नेक्स्ट आता है अमेरिका अब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिसरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है वो किसी के फंडामेंटल राइट right का वॉलेशन तो नहीं कर रहा है तो जब भी कोई लॉ बनता है तो क्या होता है जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है वो उस लॉ का एक रिव्यू करता है कि ये जो लॉ बनाया गया है कहीं किसी फंडामेंटल राइट right का वॉयलेशन तो नहीं कर रहा है नेक्स्ट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट जो राष्ट्रपति का पे महाभियोग लगाया जाता है उन्हें उनके स्थान से हटाया जाता है वो जो प्रोसीजर है वो भी अमेरिका से लिया गया है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनका रिमूवल जो होगा उन पे जो उनका हटाया जाएगा वो उनको कैसे हटाया जाएगा उसका प्रोसीजर भी आपका अमेरिका से लिया गया है हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी आपके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही बॉरू किया गया है नेक्स्ट है हमारा जर्मनी जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बारो किया गया right है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी अगर कंट्री में इमरजेंसी की सिचुएशन है यानी कि आपात की स्थिति आ गई है देश में कहीं कोई वार हो गया है या फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है कोई स्टेट तो उसमें इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर जो फंडामेंटल राइट right है वो आपके सस्पेंड कर दिए जाएंगे ये जो प्रोविजन है आपका जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है नेक्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका से लिया गया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारतीय संविधान में अगर अमेंडमेंट करना होगा तो किस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा 368 में ये बताया गया है आर्टिकल 368 में नेक्स्ट uh, है आपका इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कैसे किया जाएगा उसका प्रोसेस भी आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है नेक्स्ट है आपका फ्रांस फ्रांस आपका जो आपकी आ, प्रेम्बल है प्रस्तावना है उसमें रिपब्लिक जो वर्ड है फ्रांस से लिया गया है नेक्स्ट आपका आइडल ऑफ लिबर्टी क्वालिटी, फेटर्निटी इन द प्रेम्बल, ये वर्ड भी आपके किस लिए गए हैं प्रेम्बल में फ्रांस से लिए गए हैं एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड आलसो प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज